नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल BGR ब्लॉग्स में। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पोस्ट के माध्यम से आप लोगों से पूछा था कि आप लोग कहां की वीडियो देखना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोगों ने जो फीडबैक दिया था, लगभग 82% लोगों ने ये फीडबैक दिया कि हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर फेज 2 की वीडियो देखना चाहते हैं। तो वही दिखाने के लिए दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ और आज मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में दिखाऊँगा नाव से चल के कि जो फेज 2 का काम है वो कहाँ तक पहुँचा है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों आज फिर मैं निकल चुका हूँ एक नए सफर पे और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर फेज 2 का जो निर्माण कार्य है वो कहाँ तक हो रहा है। जय श्री राम। दोस्तों कुछ लोग कहेंगे कि जब आपको श्री काशी विश्वनाथ धाम दिखाना है तो आप ये क्या दिखा रहे हो, मैं कहाँ पहुँच गए हो। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये हमारे इष्ट देव संकट मोचन बजरंग बली जी का मंदिर है और मुझे काफ़ी समय हो गया था दोस्तों, इसलिए यहाँ मैं दर्शन करने आया था। तो मैंने सोचा कि आप लोग को बाबा विश्वनाथ से पहले बजरंग बली के दर्शन करवा दें बाहर से, क्योंकि दोस्तों अंदर अलाउड नहीं है। अब दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं उस जगह पे जो कि हम आपको दिखाने के लिए चल रहे हैं और इस वक्त दोस्तों मैं घाट पर त्रिपुर भैरवी घाट में पहुंचने वाला हूं, क्रॉस कर लिया मैंने और अब दोस्तों मैं बढ़ रहा हूं ललिता घाट की तरफ। यहां से दोस्तों मैं आपको जो बाकी की चीज़ें हैं वो दिखाऊंगा दोस्तों और नाव से चल के बिल्कुल सामने का जो व्यू है, जो गंगा द्वार जो बना है उसका मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए गंगा घाट दोस्तों कितना सुंदर लगता है देखने में और ये जो मौसम चल रहा है दोस्तों ये सबसे बेस्ट मौसम है यहाँ विज़िट करने का। मतलब अगर आपको बनारस की सबसे खूबसूरत फ़ोटोज़ वगैरह अगर खींचनी है तो ये सबसे बेस्ट मौसम है दोस्तों। कारण उसका बता रहा हूँ, जब सर्दियाँ पड़ती हैं तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो ठंड में यहाँ का जो व्यू है वो थोड़ा सा मतलब धुंधला रहता है और जब गर्मी पड़ती है तो गर्मी में दोस्तों बहुत गर्मी होती है तो उतनी गर्मी बर्दाश्त कर पाना भी थोड़ा दिक्कत होता है और कैमरे में भी वो काफ़ी फ्लैश आता है हाई रोशनी की वजह से। तो ये दोस्तों सबसे बेस्ट मौसम है, इस टाइम बिल्कुल सही पिक्चर भी आती है, मौसम भी एकदम सुहाना सुहाना रहता है और लोकेशन तो आप देख ही रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त लोकेशन और कहाँ मिलेंगी। तो ये सबसे बेस्ट टाइम है दोस्तों विज़िट करने का वाराणसी, जिसको भी आना है भैया आ जाओ। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ये दोस्तों मैंने सफ़र कर दिया है शुरू और सामने आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो सामने आप देख रहे हैं यही ललिता घाट है और रुकिए मैं आपको अभी प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा। ये जो आप दोस्तों अभी इस वक्त देख रहे हैं ये वो जगह है दोस्तों जहां से जो पर्यटक और श्रद्धालु हैं वो गंगा का जल लेकर सामने इस गंगा द्वार से होते हुए फिर उसके बाद मंदिर चौक, ये देखिए सामने मैं आपको जूम करके दिखा रहा दोस्तों, ये जो गंगा द्वार है ये अब शुरू हो चुका है और ये देखिए। तो यहीं से दोस्तों जो अभी मैंने आपको इससे पहले ये जो पीपा का आप देख रहे हैं पुल, इसके लेफ्ट साइड से रास्ता है, यहाँ से दोस्तों गंगा में लोग स्नान करेंगे, वहाँ से जल लेंगे और वहाँ से होते हुए दोस्तों ये जो सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देखिए, तो ये जो द्वार है दोस्तों इस द्वार से होते हुए, रुकिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये जो आप द्वार देख रहे हैं दोस्तों भव्य, इसी से होते हुए जो श्रद्धालु हैं जो पर्यटक हैं वो होते हुए दोस्तों आगे बढ़ेंगे और सीढ़ियों के रास्ते से होते हुए दोस्तों वो अंदर जो मंदिर चौक है वहाँ पहुँचेंगे दोस्तों। मंदिर चौक पे से पहले दोस्तों सारा लॉकर वगैरह है तो अपना जो भी सामान है मोबाइल वगैरह है वो सब रखेंगे दोस्तों, उसके बाद आप जल लेकर आगे बढ़ेंगे और फिर आप पहुँचेंगे गर्भगृह के द्वार के पास, फिर उस द्वार से दोस्तों अंदर आप बाबा विश्वनाथ की इस वक्त तो दोस्तों सिर्फ झांकी दर्शन कर पाएंगे क्योंकि दोस्तों होगा क्या कि अभी महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है तो महाशिवरात्रि पे जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी यहाँ पर। आप जानते हैं दोस्तों कि कॉरिडोर बनने के बाद जो चारों दिशाओं में और पूरे विश्व में जो इसका नाम हुआ है तो उसके बाद दोस्तों जो पर्यटक और जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या बढ़ गई है तभी से दोस्तों जो श्रद्धालु हैं बढ़ गए हैं। पहले मान लीजिए कि 15,000-20,000 जो श्रद्धालु और जो मतलब ट्रैफिक जो था वो इतना था, लेकिन अभी दोस्तों जब से ये कॉरिडोर बना है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है दोस्तों। लगभग सुनने में आया था कि 4 से 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख लोग आ रहे हैं और शिवरात्रि पे तो आप जान ही रहे कितनी भयंकर भीड़ होगी। तो इसलिए दोस्तों प्रशासन ने भी पूरी अपनी कमर कस ली है कि इस ट्रैफिक को कैसे मैनेज करना है और अब दोस्तों काफ़ी व्यवस्थित तरीके से इसको सुचारू रूप से ये मतलब निश्चित किया जाएगा कि जितने भी पर्यटक और श्रद्धालु आ रहे हैं उनको दर्शन दोस्तों प्रॉपर तरीके से मिल जाए। तो
इसीलिए दोस्तों मैं आप लोग को पहले ही बता दे रहा हूँ, जो भी यहाँ पर आ रहे हैं वो उनको जो व्यवस्था है वो इस तरह की मिलेगी कि आप चाहें तो इस द्वार से जा सकते हैं, चाहे तो सामने 4 नंबर गेट है दोस्तों वहाँ से जा सकते हैं, और बाकी जो पुराना द्वार है दोस्तों सिंह द्वार, वहाँ से तो ऑलरेडी एंट्री हो ही रही है, तो अलग अलग मार्गों से दोस्तों आप आ सकते हैं यहाँ पर, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आप लोगों से निवेदन है दोस्तों कि हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिएगा दोस्तों और कमेंट कीजिएगा, जिससे आपकी राय पता चलती रहे मुझे। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो करता हूँ समाप्त। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।